दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज 26 जनवरी का दिन है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को हरिद्वार के हर की पैड़ी से ताज़ा दर्शन कराने वाले हैं। मौसम की ताज़ा जानकारी के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ हरिद्वार पहुँच रहे श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और लाइव दर्शन करते जाइए, क्योंकि जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे उससे थोड़ी देर पहले की ये वीडियो है, तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये लाइव दर्शन ही है। बात करें तो समय की तो 12 बजे के आसपास ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। भागीरथी सेतु के दर्शन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है ताकि आपके साथ और लोग भी दर्शन कर सकें। अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि यहाँ पर हर दिन लगभग हरिद्वार की वीडियो आती रहती है। तो खुद भी दर्शन करें और माँ गंगे के दर्शन दूसरों को भी कराएं। अब मैं आपको लेकर मुख्य घाट की ओर चलता हूँ और देखते हैं श्रद्धालुओं की संख्या कितनी है। बात कर लेते हैं मौसम की, तो आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। धूप ने ठंड में ब्रेक लगा दिया है। कह सकते हैं कि धूप जब अच्छी होती है तो कितनी भी ठंड हो ठंड भाग ही जाती है, तो वही देखने को मिला है। और आज श्रद्धालु भी अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं, तो सभी घाटों से दर्शन कराएंगे हम आपको। वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर करते जाएं। अगर आप हरिद्वार यात्रा पर आना चाहते हैं तो आपके लिए सही समय है। धीरे धीरे करके ठंड जो है अब कम होने लगी है। आने वाले दिनों में ठंड जो है और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर आप आना चाहते हैं, कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है। मैं आपको कोई भी जो भी आपकी जानकारी लेनी है हम आपको बता देंगे। ये देखिए धनुष पुल के नीचे बड़ी धारा, यहाँ के दर्शन करते जाइए आप लोग। ये देखिए कैसा लग रहा है, इस समय गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं। आज ये वीडियो को शेयर जरूर करना आप सभी लोग, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। ज़्यादातर लोग, सभी लोग कह सकते हैं घर पर होंगे, तो वो लोग भी हरिद्वार को देख सकेंगे। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे हमारे कदम जो हैं ब्रह्मकुंड घाट की ओर चल रहे हैं, और ब्रह्मकुंड घाट को जब देखेंगे तभी आज की वीडियो पूरी मानी जाएगी, क्योंकि सबसे मुख्य घाट ब्रह्मकुंड घाट है। ये देखिए नाई घाट के सामने निर्मल स्वच्छ गंगा जल। ये गंगा जल अमृत समान है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इसी जल के माध्यम से जीवित हैं, तो ये अमृत है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप गंगा जी के घाटों पर जाएं, ना घाट को गंदा करें ना गंगा जल को गंदा करें। आइए आपको मनसा देवी मंदिर दिखाते हैं। ये देखिए ऊंचे पहाड़ों पर हरिद्वार का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है मनसा देवी मंदिर। दर्शन करें आप सभी लोग। देखिए आज पूरा आसमान क्लियर है, मंदिर भी बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा। नहीं तो कोहरा छाया रहता था, मंदिर भी नज़र नहीं आता था, लेकिन आज धूप भी है और उसके साथ साथ पूरा मौसम क्लियर नज़र आ रहा है। आइए चलते हैं ब्रह्मकुंड घाट की तरफ से। सभी लोग जय गंगे माता लिखेंगे और जय मनसा देवी भी लिखेंगे। हर एक घाट पर आज काफ़ी श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं, और क्योंकि आज छुट्टी होती है और बहुत सारे लोगों की तो सैटरडे भी ऑफ रहता है और उसके बाद संडे, तो इस तरह 3 दिन की छुट्टी जब लगातार मिल जाए फिर तो अच्छा ही है। दोस्तों ये दृश्य देख सकते हैं, जो घंटाघर घाट के दूसरी साइड बड़ी धारा के दृश्य देख रहे हैं, और इन दृश्यों को देखकर सच में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, खुशी मिल रही होगी, क्योंकि गंगा जी को इतने करीब से देख रहे हैं आप लोग। अब मैं आपको ब्रह्मकुंड घाट की ओर के दृश्य दिखाऊंगा। अच्छे से देखिए आप सभी लोग और वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को छोड़ कर ना जाया करें। आधी अधूरी जानकारी भी सही नहीं है, पूरे दर्शन करें, संपूर्ण दर्शन करें और वीडियो को शेयर करें। ये अस्थि प्रवाह घाट है सामने की ओर, और उस तरफ है वो जो मंदिर नज़र आ रहे हैं वो ब्रह्मकुंड घाट है। और इस तरफ है घंटाघर घाट।
दर्शन करते जाएं और सभी को ये वीडियो शेयर करके उन्हें भी दर्शन कराएं। देखिए हर घाट में आज आपको श्रद्धालु नज़र आ रहे होंगे, ठीक ठाक श्रद्धालु आज नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको लेकर मालवी घाट की ओर चल रहा हूँ। की जय। ये देखिए, ये है घंटाघर टावर जिसे बिरला टावर भी कहते हैं। कितना क्लियर है आज मौसम, नज़र न लगे ऐसी धूप निकलती रहे, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो आज राहत मिली है। ये देखिए, ये है मालवी घाट। आइए महिला घाट की ओर चलते हैं। आज वीडियो की क्वालिटी कैसी है, ठीक ठाक वीडियो की क्वालिटी आ रही है या नहीं, आपको अच्छे से हो रहे हैं दर्शन? मालवी घाट और महिला घाट के मध्य में जो गंगा जी की धारा है वहां से दर्शन कराते हैं आपको। ये देखिए सामने की ओर महिला घाट है, जहां पर मैं खड़ा हूं ये है मालवी घाट, और दोनों घाट के मध्य में यहां पर गंगा जी की धारा। दोस्तों मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में धनौल्टी यात्रा की दो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अभी 21 तारीख और 22 तारीख को मैं गया था धनौल्टी, जो कि हिल्स स्टेशन है। वहां पर हमने सुरकंडा माता जी की मंदिर की वीडियो जो है वो बनाकर अपलोड कर दी है। उसके साथ साथ कुंजापुरी देवी का मंदिर जो कि ऊंचे पहाड़ों में है, दोनों वीडियो सुरकंडा देवी मंदिर और कुंजापुरी मंदिर की वीडियो जो है मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में हमने अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। जैसे यहाँ पर हरिद्वार के दर्शन लगातार होते रहते हैं, वहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं संपूर्ण उत्तराखंड के दर्शन होते हैं। वहाँ पर लगातार अच्छी अच्छी जगह की वीडियो हम लाते रहते हैं, तो आप सभी लोग मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे प्लेस के बारे में जानकारी मिलेगी, कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में जानकारी मिलेगी जिनकी जानकारी हो सकता है आपके पास ना हो, या जब भी आप उत्तराखंड आ रहे हो उसी मंदिर के आसपास से निकल रहे हो लेकिन जानकारी ना होने की वजह से आप दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए यहाँ पर गंगा जी के सुंदर दृश्य देखिए आप सभी लोग। वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताइए, और थोड़ी देर में आज की ये वीडियो हम समाप्त करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो के सबसे सुंदर दृश्य इस समय देख रहे हैं, एक तरफ तो माँ गंगे की निर्मल धारा बह रही है और एक तरफ माँ गंगे की सुंदर प्रतिमा बीच धारा में, दर्शन करिए। और इस तरफ हैं भोलेनाथ, विश्व की रक्षा करने वाले भोलेनाथ जी, दर्शन करें। और अब हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है यात्रा से संबंधित तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है। आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।